चावला स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करें उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। क्वार्टर टू का इसका रिजल्ट आ गया, अब आपको क्या करना है, बाय सेल या होल्ड देख लो। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक भी यूनिट है ना, क्वार्टर टू का रिजल्ट देखना जरूरी है, डायरेक्ट रिजल्ट पर चलती है। लेकिन शेयर की 5 सेकंड की डिटेल लेंगे। देखो आज 28.10 रुपये का ये हाई हो गया है, 52 वीक हाई 30 रुपये था, और यहाँ पे देखो आज इसमें अपर सर्किट की रैली लग गई है, और यहाँ पे देखो आज है 30 रुपये का हाई भी बनाया था, 52 वीक हाई को टच कर दिया था आज इसी स्टॉक ने, क्योंकि भैया खबर इतनी खतरनाक है। चलते हैं उस न्यूज पर। देखो उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक, और यहाँ पे डेट देख लो 7 नवंबर 2022। टेंटन है ना, अभी रिजल्ट आया, मैं रिजल्ट को सेट कर लेता हूँ, उतनी देर में आप वीडियो को लाइक ठोक सकते हो दोस्तों। और चैनल पे पहली बार विजिट किया हो या फिर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन दबा देना है, जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेगी। आंकड़े और फिगर्स है जो लाख में है, मैं इसको सेट कर लेता हूँ दोस्तों, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्वार्टर क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर है, ये ईयर ऑन ईयर है देख लेंगे। टोटल इनकम की बात कर लेते, आखिरकार कंपनी को इस क्वार्टर में कितनी क्या इनकम हुई थी, एकदम शॉर्ट वीडियो में देख लेंगे। पिछले ईयर में कंपनी को 69,794 लाख की इनकम थी, पिछले क्वार्टर में 1,02,992 लाख की इनकम थी, इस क्वार्टर में कंपनी की इनकम हुई है 1,13,983 लाख की इनकम हुई है। टोटल खर्चों की बात कर लेते हैं, आखिरकार कंपनी ने कितने क्या खर्चे कर दिए हैं इस क्वार्टर में, खर्चों के भी बात कर लेंगे। पिछले ईयर में कंपनी ने 62,091 लाख का खर्चा किया, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 72,936 लाख का खर्चा किया, इस क्वार्टर में कंपनी ने 75,485 लाख का खर्चा कर दिया। अब इस क्वार्टर में देख लेंगे भैया प्रॉफिट वरो सब कुछ देख के कंपनी को शुद्ध कितना प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट लॉस द पीरियड यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों। पिछले ईयर में कंपनी को 27,380 लाख का लॉस हुआ था, माय गॉड है। पिछले क्वार्टर में कंपनी को 20,294 लाख का प्रॉफिट हुआ था, इस क्वार्टर में कंपनी को 29,429 लाख का प्रॉफिट, माय गॉड। क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर सब कुछ फाड़ दिया कंपनी ने, बहुत ज्यादा प्रॉफिट करके दिखाया है। फिर से देख लेंगे, अच्छे से देख लेंगे। पिछले ईयर में कंपनी को 27,380 लाख का लॉस, पिछले क्वार्टर में 20,000 का प्रॉफिट मान लो, 20,000 लाख का प्रॉफिट मान लो, और इस क्वार्टर में 29,429 लाख का, ऑलमोस्ट 30,000 लाख का कंपनी को प्रॉफिट हो गया दोस्तों। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बहुत बड़ा, यानी कि बहुत ज्यादा धमाका कर दिया। इस वजह से अर्निंग पर शेयर भी 1.59 रुपये हो गया, पहले 1.17 रुपये था। फिर से बता रहा हूँ, अच्छे से समझ लो, इस कंपनी में इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट राउंड फिगर में मान के चलते हैं 30,000 लाख का प्रॉफिट सब कुछ फाड़ दिया है। इस वजह से आज है 52 वीक हाई को टच कर लिया, यहाँ पे 30.50 रुपये का 52 वीक हाई, जिनके पास में स्टॉक है उनकी लग गई है लॉटरी। अब से नहीं रुकेगा 50 के पहले, क्योंकि सारे रिकॉर्ड इस स्टॉक ने तोड़ दिए हैं आज, और यहाँ पे करोड़ों का माल उठा लिया गया। जैसे मार्केट को पता चला ना भाई रिजल्ट है धमाकेदार आने वाला है, तो भैया करोड़ों का माल, 5 करोड़ स्टॉक आए थे, पूरा माल लोग घर पे लेके गए हैं, जिनके पास में स्टॉक है ना लोट लग गई है मान लो, और ये लॉन्ग टाइम रखते हो ना तो 50+ का भी ये स्टॉक है, ध्यान रखना जल्दी ये 50 को पार कर देगा, तो भैया लोट लग गई। आई होप सारी बात समझ गए होंगे दोस्तों। तो थैंक यू।